पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। त्रिपुरा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। नागालैंड में बहुमत से बीजेपी सिर्फ 2 विधायक दूर है, लेकिन जेडीयू और एक और निर्दलीय विधायक के समर्थन का भी दावा बीजेपी ने किया है। लेकिन इन 2 राज्यों में नहीं, बीजेपी सबसे पहले मेघालय में सरकार बनाने जा रही है, जहां सिर्फ 2 विधायक हैं बीजेपी के। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मेघालय में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के नेता कॉनराड संगमा 6 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस से एक और राज्य निकल गया हाथ से, कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य निकल गया है। बीजेपी ने जो कोशिश की थी कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना है मेघालय में, उस कोशिश में बीजेपी सफल होती नजर आ रही है और बीजेपी का एक विधायक मंत्री बनेगा। त्रिपुरा और नागालैंड की बात, बीजेपी मेघालय में भी सरकार बनाने जा रही है। मेघालय में बीजेपी ने नेशनल पीपल्स पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता कॉनराड संगमा राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 6 मार्च को सुबह 10:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मेघालय में बहुमत के लिए 31 विधायक चाहिए, बीजेपी के 2, नेशनल पीपल्स पार्टी के 19 और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 और हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 के साथ मिलाकर यह आंकड़ा 29 तक पहुंचता है। हालांकि बीजेपी ने पीडीएफ के 4 विधायकों के समर्थन का दावा करके कुल 34 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। महामान्य राज्यपाल महोदय का सामने 34 MLA को पैरेड करवाया। तो इस तरह से मेघालय में भी अब बीजेपी समर्थित सरकार बनती नजर आ रही है और बीजेपी का एक विधायक मंत्री भी होगा इस सरकार में। वैसे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जीत का डर कहें या फिर राजनीतिक मजबूरी, यूपी में हो रहे हैं 2 लोकसभा चुनाव के ऊपर लोकसभा उपचुनाव और इस उपचुनाव में SP और BSP साथ साथ नजर आ रहे हैं। यूपी में गोरखपुर और फूलपुर सीट पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान किया है। होने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा का चुनावी गठबंधन यह होने वाला है, जो पूर्णतः अभी तथ्यों से परे है, सही नहीं है, गलत है। मायावती ने कहा है कि 2019 के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन की खबर झूठी है। हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राज्यसभा में जाएगा और जो हमारे वोट होंगे तो वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जाएंगे। कहने का मतलब ये इस हाथ दो और उस हाथ लो। गोरखपुर और फूलपुर सीट पर 2 धूर विरोधियों के साथ आने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली। कह रहे कैसे निभे पेर केर का संग, और मुझे लगता है मैं जो कह रहा हूँ यही साबित होगा। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ और फूलपुर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सांसद थे। दोनों के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। 11 मार्च को मतदान होगा, 14 मार्च को नतीजे आएंगे।